आज अपन कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र वित्तीय लेखांकन भाग एक पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो लेखा शास्त्र में बेटा अपन ने लेखांकन परिचय पढ़ा था अभी, तो लेखांकन परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं बेटा। आप इनको कॉपी में लिख लोगे और याद करोगे बेटा, क्योंकि इसी के आधार पर आपका टेस्ट होगा। आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होना है बेटा, तो आप इसकी तैयारी इनको इन पीडीएफ्स को कॉपी में नोट करोगे। तो लेखांक सबसे पहले बेटा लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। तो क्या होता है लेखांकन? व्यापारिक सौदों को निश्चित पुस्तकों में, तब जो व्यापारिक सौदे होते हैं उनको एक निश्चित पुस्तक में विधिवत लिखना ही बही खाता या पुस्तपालन कहलाता है। मतलब अपन व्यापारिक जो सौदे होते हैं उनको निश्चित पुस्तकों में विधिवत लिखेंगे, बही खाता तैयार करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, बही खाता या पुस्तपालन। किंतु व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखने से व्यापार के परिणाम तथा उनकी वित्तीय स्थिति का ज्ञात प्राप्त किया जा सकता है। मतलब किसी भी व्यापारिक स्थिति को जानने के लिए अपन को ये वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा बनाना पड़ेगा। इसके परिणाम के लिए, वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। एक निश्चित अवधि के परिणाम को जानने के लिए विभिन्न लेखों का संग्रहण, विश्लेषण, लेखों के सारांश तैयार करने संबंधित कार्य भी आवश्यक होते हैं। मतलब जो लेखांकन होते हैं उनमें संग्रहण, विश्लेषण और लेखों के सारांश को भी क्या किया जाता है, तैयार करना करना संबंधित कार्य क्या है, आवश्यक कार्य होते हैं। व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण, वर्गीकृत करना और सारांश तैयार करना भी लेखांकन कहा जाता है। तो ये हो गया बेटा लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। फिर बही खाता क्या होता है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं बेटा, आपको कॉपी में लिखना है और याद करने हैं। तो बही खाता क्या होता है? बही खाते शब्द अंग्रेजी के बुक कीपिंग मतलब कहते हैं, मतलब इसे अंग्रेजी के शब्द मतलब बुक कीपिंग कहते हैं। वाणिज्य विषयों में बुक कीपिंग का आशय हिसाब किताब से लिया जाता है। इसमें कला से, इसका मतलब हिसाब किताब लिखने की कला से लगाया जाता है। मतलब हिसाब किताब लिखना भी बेटा एक कला है। तो बुक, इसको बही खाता को इंग्लिश में बुक कीपिंग भी कहते हैं। अर्थात बुक कीपिंग से आशय हिसाब किताब की वहियां, व्यापारिक सौदे को लिखने की कला। खाते को पुस्तपालन भी कहा जाता है। बही खाता पुस्तपालन कला विज्ञान है। मतलब बही खाता को या पुस्तपालन को कला विज्ञान, इसमें मतलब इसके माध्यम से समस्त मौद्रिक व्यवहार का हिसाब किताब पुस्तकों को निम्न अनुसार लिखा जाता है। इससे लेखे रखने के उद्देश्य भी क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका बही खाता क्या है। अब है बेटा लेखांकन कला है या विज्ञान, इसको भी आपको स्पष्ट करना है। तो लेखांकन कला है या विज्ञान, तो लेखांकन विज्ञान अथवा कला, इस संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद तो है। कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं और कुछ लोग इसे दोनों ही मानते हैं। इस विवाद को हल करने के लिए सर्वप्रथम विज्ञान एवं कला शब्द से परिचित होना क्या है, आवश्यक है। तो लेखांकन पहले विज्ञान के रूप में, तो विज्ञान के रूप में विषय के क्रम को व्यवस्थित रूप से ज्ञान को कहते हैं। मतलब विज्ञान किसी विषय के क्रम में व्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं। विज्ञान में कुछ आधारभूत नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं जो समान होते हैं। इस दृष्टि से अगर लेखांकन को देखें तो लेखांकन एक विज्ञान है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें मतलब इसमें भी जब अपन खाते लिखते हैं तो एक नियम होता है, उनकी एक भाषा होती है, उसके आधार पर अपन लेखांकन लिखते हैं। उसी प्रकार कला से आशय, जैसे अपन ने विज्ञान के रूप में देखा, अब कला के रूप में देखें तो कला से आशय निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम रीति है। इससे हम ज्ञात होता है कि निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करने की उचित रीति की कला कहते हैं। मतलब किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करने से उचित रीति को क्या कहते हैं, कला कहते हैं। लेखांकन विज्ञान तथा कला।
लेखांकन कला और विज्ञान दोनों के रूप। तो लेखांकन वित्तीय व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों व निश्चित नियमों पर आधारित होता है, इसलिए लेखांकन विज्ञान है। फिर लेखांकन हिसाब किताब की पुस्तकें आवश्यकता के अनुरूप रखी गई, इन पुस्तकों के व्यवहार को उचित रीति से प्रविष्ट किया जाता है, इसे कला। तो सबसे पहले लेखांकन विज्ञान और कला दोनों के रूप में है, ये मतलब वो हुआ कि लेखांकन वित्तीय व्यवहारों और निश्चित पुस्तकों और निश्चित नियमों पर आधारित होता है, तो लेखांकन विज्ञान है। लेखांकन हिसाब किताब की पुस्तकें आवश्यकता के अनुरूप रखी जाती हैं, इन पुस्तकों के व्यवहार को उचित रीति से प्रविष्ट किया जाता है, इसे कला भी कहते हैं। फिर है लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य समझाइए। अभी आपने देखा बेटा लेखांकन कला और विज्ञान दोनों के रूप में समझाइए। फिर ये इसके बाद है बेटा लेखांकन के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। तो लेखांकन के निम्नलिखित उद्देश्य 8 हैं बेटा, ठीक है। तो लेखांकन का निम्नलिखित उद्देश्य है, पहला है व्यवसायिक लेन देन का लेखा करना, मतलब जो व्यवसाय शुरू करते हैं अपन, जो व्यवसाय होता है उसका लेन देन करना मुख्य उद्देश्य होता है लेखांकन। दूसरा है लेखांकन में प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ हानि ज्ञात करना। तो अपन जो भी लेजर या जो भी बनाएंगे तो उसमें लाभ हानि ज्ञात करने के लिए लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ हानि ज्ञात करना। फिर लेखांकन में सबसे मुख्य उद्देश्य योजना बनाने में सहायक, तो लेखांकन योजना बनाने में भी सहायक है। चौथा है निर्णय लेने, निर्णय को नियंत्रण में सहायक, मतलब निर्णय लेने में भी ये लेखांकन क्या होता है, सहायक होता है। ये उसका प्रमुख उद्देश्य ये भी है एक बेटा कि निर्णय को नियंत्रण में सहायक। फिर है अशुद्धियों को नियंत्रित करना, मतलब लेखांकन में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको नियंत्रण करने भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर समायोजन करना, छठवा इसका मुख्य उद्देश्य है समायोजन करना। सातवां उद्देश्य है कर योग्य आय का निर्धारण करना, लेखांकन में कर योग्य जो आय होती है उनका निर्धारण लेखा जोखा लेखांकन करना प्रमुख उद्देश्य, मतलब लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है कर योग्य आय का निर्धारण करना। फिर आठवां होता है अंकेक्षण का आधार, तो लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है आठवां होता है अंकेक्षण का आधार। फिर है लेखांकन की विशेषताएं, या आपने देखा बेटा लेखांकन के मुख्य उद्देश्य कितने उद्देश्य होते हैं 8। पहला है व्यवसायिक लेन देन में लेखा करना, दूसरा है लाभ हानि ज्ञात करना, और तीसरा है योजना बनाने में सहायक, और चौथा निर्णय लेने में सहायक, पांचवा अशुद्धियों का नियंत्रण, छठवां समायोजन करना। लेखांकन में निर्णय मतलब जो उद्देश्य होता है समायोजन करने का उद्देश्य, वो सब लेखांकन के ये मुख्य उद्देश्य हैं। फिर सातवां है कर योग्य आय का निर्धारण, और आठवां है अंकेक्षण का आधार। फिर होता है लेखांकन के की विशेषताएं, आपने अभी उद्देश्य देखे, अब ये है लेखांकन की विशेषताओं को लिखिए। लेखांकन की विशेषताएं निम्नलिखित है बेटा, तो पहला है लेखा कर्म कला व विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान मैंने अभी बताया बेटा, लेखा कर्म कला और विज्ञान दोनों है। दूसरा पुस्तपालन पर आधारित है, जो लेखांकन होता है वह पुस्तपालन पर आधारित है। लेखा कर्म में निश्चित पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है लेखा कर्म में मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है, मौद्रिक व्यवहार होते हैं वह सब लेखाकर्म में किए जाते हैं। लेखाकर्म कानूनी प्रावधानों और नियमों पर आधारित होता है, जो ये लेखाकर्म लेखांकन होती है इसकी मुख्य विशेषता ये भी है बेटा कि जो लेखांकन होता है वो कानूनी प्रावधानों और नियमों पर क्या होता है आधारित होता है। फिर लेखाकर्म में परिणाम एक निश्चित समय के बाद निकाले जाते हैं, जब पूरा लेखा बन जाएगा चिट्ठा बन जाएगा तो उसका जो परिणाम है वो एक निश्चित समय के बाद क्या होते हैं निकाले जाते हैं। तो ये लेखांकन की विशेषताएं हैं बेटा। तो लेखांकन की कितनी विशेषताएं हैं, 6 विशेषताएं हैं। लेखाकर्म कला और विज्ञान है।
इसके पहले बेटा आपने इसकी विशेषताएं पढ़ी, अब आपको लेखा कर्म वही खाता और लेखा कर्म में व्यापारियों को 5 लाभ बताइए। तो इसके आपको बता दूं बेटा, आपने विशेषताएं महत्व पढ़ा, उद्देश्य पढ़ा, है ना, अब विशेषताएं पढ़ी, अब वही खाता और लेखा कर्म व्यापारियों को होने वाले लाभ। तो व्यापारियों को होने वाले लाभ में सबसे पहले है महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करना, जो महत्वपूर्ण सूचना होती है प्राप्त करना। वही खाता तथा लेखा कर्म की सहायता से व्यापारी अपने लाभ हानि लेनदार संपत्ति एवं दायित्व का पता लगा सकते हैं तथा वंचित उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये लाभ है पहला, महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करना। वही खाता और लेखा कर्म की सहायता से व्यापारी अपने लाभ हानि लेनदार देनदार संपत्ति और दायित्वों का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और वांछित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। फिर दूसरा है बेटा क्रय विक्रय में सहायक। तो जो व्यापारियों के जो क्रय विक्रय करते हैं, जब अगर कोई अपन व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसमें क्रय और विक्रय दोनों की सहायता इससे होती, इससे लाभ है। यदि हम किसी चालू व्यापार की सीमा खरीदना या बेचना चाहते हैं तो व्यापार की वित्तीय स्थिति सही जानकारी लेखा पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीसरा है कर निर्धारण में सहायक। कर निर्धारण में सहायक, सही निर्धारण करने की विविधता रखे गए हिसाब में कितने व्यापारियों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। फिर चौथा है ऋण लेने में सुविधा। व्यवस्थित रूप से रखे गए हिसाब किताब का प्रदर्शन करके व्यापारी अपनी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट कर सकता है। आवश्यकता अनुसार वित्तीय संस्थाओं से सरलता पूर्वक ऋण प्राप्त कर सकता है। तो ये चौथा है ऋण लेने में सहायक। तो प्रदर्शन, व्यापारी अपनी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट कर सकता है, आवश्यकता अनुसार वित्तीय संस्थाओं को सरलता पूर्वक ऋण भी प्राप्त कर सकता है। फिर पांचवा है ख्याति के मूल्य में सहायक। विभिन्न कार्यों में हिसाब किताब के आधार पर किसी व्यवस्था की ख्याति का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। तो ये हो गई 5 जो होते हैं लेखा कर्म के व्यापारियों के लिए 5 लाभ हैं बेटा। इसको आप कॉपी में लिखोगे, याद करोगे और इनके आप सारे नोट्स बेटा कॉपी में बनाओगे। आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा बेटा, इसी के इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको कॉपी में लिखने हैं और क्या करने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद।